आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। महाराष्ट्र में भूचाल की स्थिति है, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को खतरा है। दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार खतरे में है। उनके दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे अपने यानी शिवसेना के 15 और 1 NCP और 14 निर्दलीय विधायकों के साथ गुजरात के सूरत जा बसे हैं। इस टोली में शिंदे के अलावा 3 मंत्री और हैं। बगावती कदम के बाद शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। पार्टी के सेक्शन के बाद शिंदे ने बयान दिया जो उनके बागी तेवरों के एकदम उलट था। उन्होंने ट्वीट किया, हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि उद्धव सरकार को खतरा है। वो कैसे, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए, उसके बाद अपने मेहमानों पर भी जाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी तूफान, शिंदे पर सियासी राज, विरोध में किसका हाथ, शिवसेना में बगावत, सियासी उठापटक तेज, सूरत में बागियों का डेरा, किसका खेला। एकनाथ शिंदे ने राकपा और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ भाजपा के साथ गठबंधन की शर्त रखी है। ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहते हैं। शिंदे ने 3 विधायकों संजय राठौर, संजय बांगर और दादा से कुल को मोतोश्री भी भेजा है। इस मुलाकात में क्या हुआ यह भी सामने नहीं आया है, लेकिन बगावत के सुर जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी एक्टिव मोड में है। इन सभी हलचलों के बाद शरद पवार मीडिया के सामने आए। करीब 11 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवाल हुआ कि शिंदे क्या खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो बोले कि उन्होंने ऐसी इच्छा हमसे जाहिर नहीं की। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश पहले भी हुई है, पर चिंता की बात नहीं, उद्धव सरकार चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार का मसला नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। शिंदे समेत शिवसेना के 15 विधायक सूरत के होटल में रुके हुए हैं। इसमें शिवाजी बापू पाटिल, महेंद्र शिंदे, भरत गोगावले, महेंद्र दलवी, महेश थोरवे, विश्वनाथ भोईर, संजय राठौर, संदीपान भूमरे, उदय सिंह राजपूत, संजय शिरसाठ, रमेश गोपाणे, प्रदीप जायसवाल, अब्दुल सत्तार और तानिजी सावंत शामिल हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी का बहुमत 151 में गिर गया। राज्यसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के पास 162 विधायक थे, जबकि उससे पहले संख्या 170 थी। यानी राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी के 11 विधायक कम हुए हैं। परिषद चुनाव से पहले और बाद में तुलना करके देखा जाए तो कुल 19 विधायक महाविकास अघाड़ी से दूर हुए हैं। दूसरी तरफ अब भाजपा के 134 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सरकार टिकने के 144 का बहुमत जरूरी है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और भाजपा के संख्या में अंतर बहुत कम रह गया है। फिर भी शिवसेना में बगावत होती है तो दल बदल कानून सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बगावत के लिए एकनाथ शिंदे को इन विधायकों की सदस्यता भी कायम रखनी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के पास कुल 56 विधायक हैं। कानून के हिसाब से शिंदे को 2-3 विधायक यानी कि 37 विधायक जुटाने होंगे। फिलहाल शिंदे के पास कुल 30 विधायक होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना के 15 विधायक हैं। अब समझिए कि महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण क्या कहता है। कुल सीटें 288, बहुमत 144, महाविकास अघाड़ी कुल 153, शिवसेना 56, NCP 53, कांग्रेस 44, NDA कुल 113, BJP 106, RSP 1, JSS 1, निर्दलीय 5। इसी बीच राज्यसभा सांसद संजय राव ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा, कुछ विधायकों को गुमराह किया गया है। महाराष्ट्र में सियासी उठपटक के बीच नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए। वहीं भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बगावत के पीछे सबसे बड़ी वजह संजय राउत हैं। उनके बयान से पार्टी के कई नेता असहज हैं। हम सरकार बनाने के बारे में अभी नहीं सोच रहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट कर लिखा, एकनाथ शिंदे ने सही समय पर सही फैसला लिया। एकनाथ शिंदे की गिनती शिवसेना के दिग्गज नेताओं में होती है। जब 2019 के चुनाव रिजल्ट आया था तो शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल का नेता बनाया था। शिंदे ठाणे इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और बाला साहब ठाकरे के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र राज्यसभा और सोमवार को विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना में शिंदे की बात नहीं सुनी, जिसके बाद से ही वे नाराज चल रहे थे। राज्य में 10 विधान परिषद सीटों के लिए सोमवार को रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें 5 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। वहीं 2-2 सीट पर शिवसेना, NCP और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, इसके बाद से ही सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद काफी सियासी ड्रामा हुआ था। इसके बाद नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उन्हें NCP और कांग्रेस का समर्थन मिला। 2003 में उद्धव ठाकरे पहली बार शिवसेना में कार्य अध्यक्ष बने थे। बाला ठाकरे के निधन के बाद उन्होंने 2013 में शिवसेना की कमान संभाली थी, लेकिन ये तीसरी बार है जब पवार ही कहते हुए नजर आए कि तीसरी बार बीजेपी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सियासी ड्रामा भरपूर चल रहा है। अब शाम तक
किस तरह की स्थिति होती है वो साफ हो जाएगी। तो महाराष्ट्र का सियासी समीकरण क्या कहता है, रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ गए हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा हो। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश 3 बार की गई है, ऐसा शरद पवार कहते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने आज ये भी कहा, 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली नहीं है। लेकिन ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, यहाँ पेच फंस गया है। ऐसे में कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन भी हो रहा है, बीजेपी की अलग बैठक होने जा रही है। ये तमाम चीजें जो है वो महाराष्ट्र सरकार को लेकर दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही बहुत ज्यादा हड़कंप जो है उसकी स्थिति बनी हुई है। योगेश सोनी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी से डॉक्टर इंदिरा ज्योति हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले योगेश जी से मैं बात करना चाहूंगी। योगेश जी, ये जो पूरा सुबह से सियासी ड्रामा चल रहा है, हाई वोल्टेज, इसे किस तरह से आप समझते हैं? देखिए, ये सुबह से नहीं चल रहा, अगर इसमें सही से समझा जाए तो ये पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन आज सुबह ये सामने आ गया है खुलकर। और निश्चित तौर पे जो हम देखते हैं, देखो सियासत में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि विधायक गायब हो गए या सरकार नहीं बन रही है। और देखिए, बीजेपी की जो निगाह थी वो पहले से ही महाराष्ट्र सरकार पे थी, रातों रात सरकार बनाई थी इन्होंने, और उसके बाद जब समर्थन नहीं मिला तो वो सुबह सरकार बनते ही 5 बजे के बाद रात तक वो गिर भी गई थी। तो देखिए, मसला क्या, राजनीति में कब कौन कहां क्या कर जाए कुछ नहीं पता, और राजनीति में हर दाव उठक पटक जो होती है वो माननीय होती है, या कोई लॉजिकल या कोई लीगल या कोई इसको बोलते कुछ ऐसा नहीं है। विधायक अगर दल वहां चला जाता है, सरकार बना लेता है, तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और ये बीजेपी नहीं, जो चाहे जिसकी सरकार होती है, जो हुकूमत की सरकार में होते हैं, वो निश्चित तौर पे इस तरीके का एक प्रयास करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी सामने नहीं है कि अभी वो किस लिए गए हैं, अभी विपरीत से कोई ऐसा बयान आ जाना, हालांकि दिल्ली बुलाया गया फडणवीस को, लेकिन फडणवीस को अभी दिल्ली बुलाया गया, लेकिन देखिए अभी पिक्चर उस तरीके से सामने नहीं है, क्योंकि अभी वो गायब हुए, उनके स्विच ऑफ है, अभी इसकी दर हकीकत आनी बाकी है कि स्विच ऑन होने के बाद एक्चुअली आखिर किस उसको पहुंचते हैं। तो ये है, उनकी पत्नियां तो एफआईआर तक दर्ज करा रही हैं कि हमारे पतियों को कैद कर लिया है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, देखिए सबको पता है कि वो कहाँ पर है, क्या चल रहा है। ये कई बार बड़ा गंभीर मामला हादसे पर बन जाता है, लेकिन मैं ये योगेश जी की आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, जैसे ही वो कनेक्ट होंगे उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बात अधूरी रह गई। लेकिन इंदिरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंदिरा जी, सूरत और महाराष्ट्र, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र, क्या कनेक्शन है सर? कितने दिनों से प्लानिंग चल रही थी पूरी? प्लानिंग कुछ नहीं चल रहा था, ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, शिवसेना का अंदरूनी मामला है। सिंधे उनकी पार्टी के विधायक हैं, 26 विधायकों को लेकर के वो बागी विधायकों को लेकर के सरकार गिराने के लिए अग्रसर हैं, ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी का अंदरूनी मामला है तो बीजेपी इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो खुश इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, रोल नहीं है, लेकिन पहली कोशिश नहीं है, तीसरी कोशिश बताई जा रही है, जैसा कि शरद पवार ने भी कहा कि तीसरी कोशिश है ये बीजेपी की। विपक्षियों का नाम लगाना विरोधियों का तो होता है कि बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल दें। उनके विधायक उनके टच में हैं, उनके विधायक उनके काम से खुश नहीं थे। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको मंत्रिमंडल नहीं मिला होगा, इनका कोई अपना काम नहीं हो पा रहा होगा, तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सिंधे उनके पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन शिवसेना के बहुत ही पुराने, बहुत कद्दावर नेता हैं, उन्होंने आज जो कदम उठाया है पार्टी के अगेंस्ट, वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। लेकिन खबरें तो ये चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ भाजपा के साथ गठबंधन की शर्त रख रहे हैं, तो भाजपा का तो रोल होगा ना इसमें कुछ ना कुछ? इसमें तो फिलहाल भाजपा का कोई रोल नहीं है।
ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, शिवसेना के 26 या 27 विधायक जो बागी हैं, तो अब आप कहिएगा कि इसमें पार्टी कोई हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है तो ये भी कहना गलत हो। योगेश जी, अब इंदिरा ज्योति जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई लेना देना तो है नहीं इसमें, ये इनका अंदरूनी मामला है। देखिए ऐसा है कि मैंने आपसे क्या कहा काजल कि राजनीति में कोई नियम कानून कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी पे अभी आरोप लगाना भी उचित इसलिए नहीं है कि एक्चुअल में स्थिति है क्या। उनके कई कारण थे जो शिवसेना से नाराज चल रहे थे, तो इनके एकनाथ शिंदे जो है उनके बीजेपी से अच्छे संबंध रहे लगातार, फिर काम करने के बावजूद उनको क्रेडिट नहीं मिला और शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, वो शंका में घिरे रहते थे, तो मुख्यमंत्री ना बन पाने का दुख था क्योंकि उनकी जो मंशा थी, जो उनकी चाहना थी वो बड़ी थी, उनको जो चाहिए था एकनाथ शिंदे को वो नहीं मिल पा रहा। ये कश्मकश आज की नहीं है, जब से सरकार बनी है ये पहले भी कई बार बात आई है, चूंकि मीडिया में खुले तौर पर नहीं आई तो इस बात को आपको समझने या हमें जनता को समझाने में थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन हम ये बता दें ये चीजें पहले से चल रही थी। तो एकनाथ शिंदे का ये जो बागीपन था ये लगातार बना हुआ था सरकार में, उनकी जो जो शैली थी वो दिखती थी, जब भी हम इसको देखते थे या उनकी जो भी वक्तव्य आते थे तो वो थोड़ा सामान्य नहीं आते थे, सरकार के पक्ष में नहीं आते थे, और एक आध दो बार उन्होंने बीजेपी की प्रशंसा कर दी और उन्होंने पिछली सरकारों में गठबंधन की तारीफ कर दी, तो उससे क्या हुआ कि ये चीजें लगातार हम नोटिस कर रहे थे, लेकिन आज इसका जो बवाल था वो फूट गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी स्थिति क्या है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि जब तक विधायकों के फोन ऑन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये विधायकों के फोन जो ऑफ होते हैं, ये पिछली सरकारों की स्थितियां दिखाई दे रही है उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में सोमवार को विधान परिषद चुनाव हुए हैं, वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है उसका बहुमत 151 तक गिरा है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, और राज्यसभा चुनाव के दौरान महाविकास जो आघाड़ी के पास थे वो 162 विधायक थे, जबकि उससे पहले संख्या 170 थी, यानी कि धीरे धीरे जो है वो स्तर गिरता जा रहा है, 11 विधायक कम हुए हैं इनके पास। नहीं नहीं देखिए ये तो कैलकुलेशन पे चलेगी चीजें, लेकिन मौजूदा स्थिति में इस तरीके से विधायकों का जो गायब होना, जैसे आपने कहा कि उनकी घरवालियों ने FIR कराई, उनके परिजनों ने FIR कराई, ये जो सियासी ड्रामा है ये हमने पहली बार नहीं देखा, ऐसा तमाम बार हुआ है और लगभग हम मतलब इसको कई बार देख चुके हैं। तो इसमें देखिए जो मौजूदा सरकार होती है वो प्रयास करती है, क्योंकि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन इतने लंबे समय से चलता आ रहा था और ये काम भी कर रहे थे, लेकिन पिछला ढाई ढाई साल सरकार के प्रस्ताव पे बीजेपी का राजी ना होना और इनका शिवसेना का जिस तरीके से गठबंधन के साथ सरकार बनाना, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने लेकिन वाला। अभी इंदिरा जी कह रहे थे, सर इंदिरा जी कह रहे थे कि भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाज की निगाह तो रखी हुई है पूरी सिचुएशन पर। देखिए मैंने क्या कहा, हम हमेशा वो बात करें या हम वो लिखें या वो बोलें जिसकी हमारे पास प्रमाणिकता, राजनीति बिना प्रमाणिकता की एक दुनिया है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पता, हालांकि निश्चित तौर पे जो समझ मोटे तौर पे जो एक आम जन को या जो आपको और हमें समझ में आ रही है वो यही समझ में आ रही है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम टीवी पर ऐसे खुले तौर पे नहीं बोल सकते, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे यहाँ पर हम जब अब इसकी तह में जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो ये समझ में आता है। क्योंकि फिर मैंने कहा कि चूंकि प्रमाणिकता नहीं है तो हम कयास पर हम क्या नाम है अपने मन से कुछ भी कहें वो नहीं चलेगा, लेकिन मुझे यही उम्मीद है कि क्या नाम है अगला जो 2-3 दिन है वो बड़े महत्वपूर्ण होने वाले, चुनौतीपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि एकदम जो चीजें सामने आएंगी उसके लिए दोनों दलों को तैयार रहना चाहिए। उद्धव सरकार की रातों की नींद जो है वो उड़ती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अंतर कम रह गया है जो समीकरण कह रहे हैं। तो ऐसे में सर एक और बात पूछना चाहूंगी कि कितना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए इस अंतर को खत्म करना, क्योंकि उद्धव से कोशिश पूरी, यहाँ अगर महाविकास आघाड़ी की मैं बात करूँ तो उनकी भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने आप को और मजबूत करें, लेकिन दूसरी तरफ भी कोशिश जारी है कि कैसे इस ड्रेनेज कंट्रोल को पूरा किया जाए। जी ये प्रश्न मेरे से है काजल जी। देखिए एक अखबार के राजनीतिक संपादक हैं, उन्होंने इसमें स्पष्ट कहा कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बहुत दिनों से उप मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। तो कहानी कहां से शुरू होती है,
जब ये बीते जो चुनाव हुए इसमें विपरीत जो कैंपेनिंग रही इसका बड़ा प्रभाव रहा। एक पार्टी में रह के विपरीत सरकार को पहले दिन से सब पता चल रहा था, ऐसा नहीं, लेकिन किसी भी एक कार्यकर्ता, एक विधायक या किसी भी एक आदमी को ऐसे समझिए, परिवार में यदि एक व्यक्ति भी बागी है तो घर नहीं चलता। इसीलिए सरकार में और इतना मुख्य जो चेहरा है, जो मुख्यमंत्री की अपनी अपनी हुंकार बढ़ते हैं और वो जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, या वो है उनका कद और पद, जैसा कि मेरे साथी मित्र ने कहा, वो उनके पुराने विधायक हैं, पुराने मजबूत नेता है, तो ऐसे में उनका जो बागी होने का जो कारण था और जो कई मंचों पे देखा गया कि उनकी नाराजगी चेहरे पे स्पष्ट आ जाती है, वो साफ साफ देखने को मिल रही थी। और ये बात हमने जो है एक चैनल में डिबेट पे कही थी लगभग आज से एक महीने पहले कि महाराष्ट्र में कुछ तूफान और भूचाल सा आने वाला है, और जब ये खबर में से अपडेट हुआ तो जो जैसा मैं सोच रहा था लगभग वैसा ही मैंने पाया और वही स्थिति सामने आई है। तो यहाँ पर जो है मुझे मतलब लगता है कि कुछ भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी हो गई, हम इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ भी सत्ता पलटते हुए भी देर नहीं लगती, रातों रात बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसा हमने भारतीय राजनीति में देखा है, कितनी बार देखा है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। इंदिरा ज्योति साहब, आप कह रहे हैं कि भाजपा का इससे लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल रही है, इसी बीच नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच जाते हैं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल वो कहते हैं कि बगावत के पीछे सबसे बड़ी वजह संजय राउत है, इस पर क्या कहेंगे आप? संजय राउत उनके पार्टी के चाणक्य हैं, डैमेज कंट्रोल करने में लगे होंगे, डैमेज कंट्रोल संजय राउत करने की कोशिश करेंगे। दो तीन दिन बड़ा महत्वपूर्ण समय होगा, जैसा कि योगेश कुमार जी ने कहा कि दो तीन दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। दिल्ली क्यों आए हैं, क्या वजह? अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मौका मिलता है अपनी सरकार बनाने के लिए तो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। इतनी देर से यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैं यही कोशिश कर रही थी कि आप जरूर बोले, क्योंकि बात से निगाह तो बनी हुई है, वो हम देख रहे हैं सुबह से ही और ये बहुत पहले से ही चल रहा है, आज बस उनकी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, हमारी पार्टी का उनकी अंदरूनी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी के जो बाकी नेता है एकनाथ शिंदे जी काफी दिन से लगातार चल रहे थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप अंदरूनी लड़ाई है, आपका लेना देना नहीं है, लेकिन विधायक टूटते हैं तो उसका फायदा तो सीधे सीधे है ना। हाँ, अगर इसका अगर कोई फायदा मिलता है सरकार बनने की अगर कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चय ही अपना सरकार बनाएगी। ठीक है योगेश जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, चर्चा को यहीं हम खत्म करेंगे। सवाल ये कि आप राजनीतिक विशेषक हैं तो बहुत बेहतर तरीके से राजनीति को जानते होंगे, महाराष्ट्र में एक दौर जब 2.5 साल पहले सरकार बनी उद्धव सरकार, तब बताया जा रहा था कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, एक महीना दो महीने उसके बाद सरकार टूट जाएगी, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। उसके बाद बीच में भी ऐसा हुआ कि सियासी उठापटक जो है वो हमें देखने के लिए मिली, लेकिन तब भी उद्धव बचा ले गए सरकार को, इस बार कितना मौका है उनके पास सरकार को बचाने का? देखिए, अभी ये बात कहने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अगर मौके की बात करें और विधायक बागी हो गए और इस पाले में आ गए तो निश्चित तौर पर सरकार गिर जाएगी, जो कैलकुलेशन है इसमें आप और हमें ज्यादा दिमाग हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जिसके पास बहुमत वो सरकार बनाएगा, निश्चित तौर पर अगर इनके पास बहुमत आता है तो ये खतरे की बात है, सरकार गिर जाएगी और बीजेपी सरकार बना लेगी। और लेकिन यहाँ पर इस समय जो परेशानी की बात है वो उद्धव ठाकरे साहब के लिए निश्चित तौर पर परेशानी की बात है, क्योंकि क्या एकदम सामने रिजल्ट आया अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात अब तक उन विधायकों से बात नहीं हुई, जो लोग अभी गायब हैं, जो बागी हैं, अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई, और जब तक वो पिक्चर क्लियर नहीं होगी, जब तक वो सामने नहीं आएंगे, मतलब तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, सिर्फ ट्रेलर है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो महाराष्ट्र में जैसा कि अभी जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर का हमें इंतजार करना होगा, तो हम पिक्चर का इंतजार करेंगे क्योंकि कुछ भी स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। उम्मीद है कि शाम तक जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे करके, लेकिन सीधे सीधे जो अगर विधायक टूटते हैं तो फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी के अंदर खाने ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि मंथन जो है वो सुबह से ही चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें गौर करना होगा कि शरद पवार भी कह रहे हैं कि ये उद्धव सरकार का अंदरूनी मामला है, लेकिन उद्धव सरकार को कोई गिराने वाला नहीं है, जो साजिश रची जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। एकनाथ शिंदे,
किस तरह से सामने निकल कर आते हैं, मीडिया के सामने किस तरह के बयान देते हैं, इसका इंतजार जरूर रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।